देखिए, 20 नवंबर को शाम को मेरे पास एक मेल आया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने को तथाकथित ये बताते हुए कि मैं जस्टिस मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ और आपके यहाँ एक इंस्पेक्टर है जिसने, मैं जब गाजीपुर यात्रा में गया था तो उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मुझसे घूस मांगा। तो उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि आप इसके खिलाफ़ तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू करिए। मुझे थोड़ा शक हुआ इस पर, तो मैंने इस नंबर पर फिर दोबारा बात किया। मैंने कई चीज़ों की इंक्वायरी की जिसका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो मुझे लगा कि ये जस्टिस साहब नहीं बोल रहे हैं। इस पर फिर मैंने अपना एक DSP भेजा इलाहाबाद हाई कोर्ट पता करने के लिए। वहाँ से मुझे पता चला कि जस्टिस मिश्रा साहब का कोई प्रोग्राम ही नहीं था गाजीपुर में, और तब तक ये इंस्पेक्टर से एक व्यक्ति का फ़ोन आने लगा जो उससे 1,30,000 रुपये मांगने लगा कि जस्टिस मिश्रा साहब मेरे अच्छे परिचित हैं, मैं पैसा तुम मुझे दे दो तो मैं उनसे माफ़ी मंगवा दूंगा और मामला निपट जाएगा। लेकिन जब ये हो गया तब यह व्यक्ति आज, मतलब रात में जो बीती रात है उसमें, ये खुद ही 1,30,000 रुपये इंस्पेक्टर रहमतुल्ला से लेने आ गया, तब उसमें ये पकड़ा गया। अब इसके खिलाफ़ मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही, जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ से ये भी पता चला है कि पहले यह व्यक्ति दिल्ली से भी ऐसे जेल जा चुका है, अयोध्या से भी जा चुका है और रुदौली से भी जा चुका है। ये सर जो व्यक्ति पकड़ा गया है ये करता क्या है और इस तरह के घटना के रचित जो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो पूछताछ से इसने बताया है, इसका कहना है कि इसके पिता ये DJ कानपुर नगर से रिटायर हुए थे और गाजीपुर में वो परिवार उपभोक्ता फोरम में थे और 1 सितंबर 2020 की यहाँ पर उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो अपने पिताजी की डायरी में जो लोग परिचित थे उनके ये नंबर निकालता है, उन्हें नौकरी देने का झांसा देता है और किसी तरह से उन्हीं पे फ़ोन करता है, उन्हीं पे लेटर लिखता है और अपने जाल में फंसा कर फिर उससे पैसे ऐंठता है। तो जो हमारे इंस्पेक्टर रहमतुल्ला हैं वो भी इसके पिता के परिचित हैं, पर उसको भी इसने जज बनकर के लेटर दिया कि मुझसे बदतमीजी की है और अगर पैसा दे दोगे तो मामला निपट जाएगा, नहीं तो तुम बर्खास्त भी हो जाओगे। तो इस तरह की हथकंडे अपनाता है। प्रथम इच्छा ये करता क्या था सर और क्या मामला था? इसने तो अपने को बताया कि मैं वकील हूँ और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो ब्रांच है उसकी लखनऊ में, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ।